सोनीपत में पेट्रोल पंप पर दिन दिहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बाइक सवार लुटेरे को कर्मचारियों ने 10 किलोमीटर पीछा करके दबोच लिया। ये घटना सेक्टर 15 की है, जहां बाइक सवार एक युवक ने पेट्रोल पंप के सेल्समैन से पैसों का थैला छीन लिया और गोली मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। सरेआम लूट की घटना के बाद पंप के सेल्समैन और अन्य कर्मचारियों ने बाइक सवार लुटेरे का पीछा किया और इस दौरान करीब 10 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद लुटेरे को रेस्ट हाउस में धर दबोचा गया। जैन पेट्रोल पंप सेक्टर 12 में वहाँ सूचना मिली थी, एक लड़का बाइक पर आया था जो पैसे तेल डलवा गया और पैसे छीनके भाग गया। दो मात्रों ने मौके पहुँचे, वहाँ नहीं मिले, उसके बाद उनको पीछा किया था, उन्होंने पकड़ लिया था, पकड़े पुलिस के हवाले कर दिया है, मोटरसाइकिल हवाले कर दिए, उनको हमने कब्जा पुलिस ने लिया है, तफ्तीश जारी है। पंप के कर्मचारियों ने लुटेरे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस का कहना है कि पंप कर्मचारियों के बुलंद हौसले के चलते आरोपी युवक को पैसों के थैले सहित पकड़ लिया गया है और मामला दर्ज कर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।